Hello everyone, my name is Gul and welcome back to our YouTube channel. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्शन सर्वे. बेसिकली इसमें ये होने वाला है कि जो इमरान खान की टीम है, नॉट इमरान खान की टीम, बेसिकली न्यूज रिपोर्टर्स है, ठीक है. तो वो लोग ना आवाम के पास जाके अलग अलग शहर में जाके अलग अलग स्टेट्स में जाके लोगों से पूछ रही है कि आप किसको वोट देंगे, ठीक है. तो लोग अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं. हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में देखा कि कुछ लोग पिछले वीडियो में तो ज्यादातर लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे और वो चाह रहे थे 40 वोट इमरान खान की तरफ थे, मतलब 60 वोट में से बाकी 10-15 दूसरी तरफ गए थे और 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को वोट नहीं देना था, ठीक है. तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जो लोग हैं वो किसको वोट देंगे और क्या ये वाले लोग भी उन्हीं लोगों की तरह इमरान खान को ही वोट देंगे. इसमें कोई ना कोई नई चीज़ हर दफ़ा ऐड नहीं होती है और कोई ना कोई स्पेशल मैसेज होता है हमारे लिए, हम लोग को अवेयर करने के लिए कि अब आप लोग इस चीज़ से भी आप लोग अवेयर हो जाओ, अब ये होने वाला है. तो वो एक तरह से हमें सिग्नल दे रही होती है, रेड सिग्नल हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया, लेकिन हमें मिल रही होती है. तो देखते हैं कि इस वीडियो में वो क्या करते हैं. हाँ चलो, 1, 2, 3. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर अब्बास, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान. नाज़रीन, इस वक्त मैं लोधरा शहर मौजूद हूं. आप देख सकते हैं पीछे लोधरा शहर की इंट्रेस है, यहां पे मौजूद हूं. और आप ये भी जानते हैं कि टीम नया पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सर्वे कर रही है. इसी तरह आज मैं लोधरा शहर में मौजूद हूँ, यहाँ पर अवामी सर्वे कर रही है, अवाम किस सियासी पार्टी को वोट दे रहे हैं. आपको बताना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन जो कि इसी लोधरा शहर में इलेक्शन लड़ते हैं, जहांगीर तरीन ने अपनी एक सियासी पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसे हम मुख्तसर कह सकते हैं IPP. आज हम आवाम से जानते हैं कि क्या वो जहांगीर तरीन को वोट देंगे या नहीं देंगे. अगर नहीं देते तो किस पार्टी के साथ खड़े हैं. तो चलते हैं आवाम से पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा. जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी हम लोधरा के मेन बाज़ार में आ चुके हैं, यहाँ से आवाम से जानते हैं कि वोट किसे देंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, इस दफ़ा आप किसे वोट दे रहे हैं? इस तरह इस दफ़ा तो जाएगा नवाज शरीफ को वोट देते भी, नवाज शरीफ को वोट, ठीक है. आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी बना ली, क्या आप जहांगीर तरीन को वोट देंगे? सर जी, अलग पार्टी बनाएं, जिस पर दिल मुतमिन होगा वोट उसे देंगे. जमीन का वोट है आपका, नून लीग का वोट है अभी आप? नून लीग का वोट है, पक्का वोट. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसे देंगे इस दफ़ा आप? किस पार्टी की अस्सलाम वालेकुम सर, इस दफ़ा आप वोट किसे दे रहे हैं? वोट इमरान खान, इमरान खान का. जहांगीर तरीन को नहीं देंगे, न्यू पार्टी उन्होंने लॉन्च की और जहांगीर तरीन इमरान खान की वजह से था ना. अच्छा, वोट इमरान खान का, ठीक हो आगे चलते. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? इमरान खान, ठीक है आगे चलते. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसे देंगे इस दफ़ा आप? पता नहीं भाई, को वोट सर आपका वोट PTI सर, जहांगीर तरीन को वोट नहीं देंगे, न्यू पार्टी नो सर, खान साहब जिंदाबाद, ठीक है खान साहब आगे चलते. सर वोट किसका? मेरा आईडी कार्ड ही नहीं है. ठीक है, आईडी कार्ड नहीं है, आगे चलते. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसे देंगे इस दफ़ा? इमरान खान. जहांगीर तरीन को नहीं देंगे वोट? लोधरा से बहुत बार इलेक्शन लड़ते हैं, न्यू पार्टी को बना ली है. नहीं, इमरान खान. इमरान खान, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? इमरान खान, ठीक है इमरान खान, ठीक आगे चलते. अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? इमरान खान. सर वोट किसका? नून लीग का. नून लीग का, ठीक है आगे चलते. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसे देंगे इस दफ़ा? किसी का. किसी का भी नहीं, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? वोट किसे देंगे आप? वोट किसका? शेर. शेर का, ठीक है आगे चलते हैं. सर वोट किसका? वोट नवाज शरीफ जिंदाबाद. नवाज शरीफ, ठीक है. सर वोट किसे देंगे इस दफ़ा? खान साहब को. सर वोट किसका? वोट नून लीग का, ठीक है नून लीग का आगे चलते. सर वोट किसका? नहीं, ठीक है.
السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ میں نے بتا تو دیا آپ کو, سب پھر دوبارہ آگے آ گئے, آپ نے ووٹ نہیں دینا سر. ووٹ کس کا؟ ووٹ سر اس کا, نون لیگ کا. نون لیگ کا, ٹھیک ہے. آگے سر جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لودرا کے مین بازار موجود ہیں, یہاں سے عوامی سروے کیا جا رہا ہے کہ ووٹ کسے دیں گے. السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو, ٹھیک ہے. آگے چل. السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ ووٹ کسے دیں گے جی؟ ووٹ کس کا ہے اس دفعہ؟ ابھی ہم یہ بتا نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم یہ بتائیں گے نا تو مجرم ہو جائیں گے, لیکن جب ووٹ آئیں گے اسی وقت ہم بتائیں گے کس کو دینے کس کو نہیں, وقت تعین کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے بتا دیا تو ہم مجرم ہو جائیں گے, اس لیے وقت آئے گا تو ووٹ دیں گے. آگے چلتے ہیں. السلام علیکم سر, اس دفعہ آپ ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, ووٹ کس کا؟ آگے چلتے ہیں. السلام علیکم سر, اس دفعہ ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ اس دفعہ پیپل پارٹی. پیپل پارٹی, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ آپ؟ ووٹ جی, ووٹ عمران خان کو. عمران خان کو, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں سر, ووٹ کس کا؟ عمران خان. عمران خان, ٹھیک ہے. آگے السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ آپ؟ جی ہم ووٹ نہیں, ہم عوام ہیں, ہمیں جو ہمیں عوام, ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ملک میں قوم میں کام اچھا کرے. یہ تو جو بھی آ رہے سارے ایک سے لٹیرے آ رہے, کوئی ملک کا خیر کا نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا, ہم ہیں عوام, ہمیں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں کوئی آوے جو اچھا آوے, جو حکمران ہو. سر ووٹ کس کا؟ یہ فی الحال تو ابھی نہیں سوچا. نہیں سوچا. حاج صاحب السلام علیکم سر, اس دفعہ ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ جو اچھا آدمی ہوگا وہ صحیح دیں گے. کس کو دینا چاہیے اچھا آدمی؟ جو اچھا آئے گا پھر دیکھا جائے گا. اگر آپ ووٹ دیں گے تو اچھا آئے گا. ہاں بس. تو کس کو دیں گے؟ وہ دیکھیں گے کوئی آ گیا اچھا تو اس کو دیں گے. السلام علیکم, ووٹ کس کا؟ ووٹ کس کا ہے سر؟ ووٹ کس کا؟ ٹھیک ہے, آگے جاتے ہیں. السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ عمران خان کو دیں گے. ٹھیک ہے, عمران خان کو. جی ناظرین, ہم لودرا مین بازار موجود ہیں, عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ ووٹ کسے دیں گے. مزید آگے چلتے ہیں, عوام سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گی. السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ مسلم لیگ نون کو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جی بات بالکل ٹھیک ہے سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ کسی کو نہیں. کسی کو نہیں. ادھر سر, ووٹ کس کا ہے اس دفعہ؟ ووٹ اس کا سر جو منگئی کام کرے گا. کس کو دیں گے آپ؟ سر میں آپ سے وامی ڈالے آپ. السلام علیکم سر, ووٹ کسے دیں گے اس دفعہ؟ ٹھیک ہے سر, ووٹ کس کا؟ ابھی فی الحال سر کوئی ڈیسائڈ.
बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सुनने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग अपने अपने पॉइंटों को लेके आते हैं कि इंडिया लाइक जैसे अब तुम इंडियन हो तो पाकिस्तान के खिलाफ, अब पीछे तुम ये चीज़ें देखने के यार ये किसको सपोर्ट कर रही है, वो किस वजह से किस बंदे को सपोर्ट कर रही है। सेम यही तरीका हमारे पाकिस्तान के अंदर भी है, इसको फॉलो किया जा रहा है इसी चीज़ को। तो लाइक अब जो इमरान खान को लोग पसंद करते हैं वो लोग पाकिस्तान के दुश्मन है, ये हमारी नून लीग की पार्टी कह रही है, हमारे वकील इस बात को उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को बताने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि वो जो पीटीआई की जो भी बात है वो लोगों को पहुँचाने से रोक रहे हैं जो है न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, और लोगों को जुबाने बंद किए जा रहे हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है नून लीग जो है वो एक पावरफुल पार्टी है और उनको काफ़ी सारे मुल्क के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट रही है, तो वो उन लोगों के पैर ज़रा जमे हुए। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली जिन लोगों ने ये सोचा है ना, जिन्होंने बोला है कि हमें किसी को वोट नहीं देना, तो मे बी वो ऐसा सोचते होंगे कि इसका ये मेरे अकॉर्डिंग इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें दिमाग ही नहीं है कि वो चूज ना कर सके। मे बी वो ऐसे लोग हो जिनको ऐसे लगता हो कि इन जितने भी लोग उठे चाहे इमरान खान चाहे नवाज शरीफ, उनको ऐसा लगता हो कि इनमें से कोई भी मतलब लायक ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के, वो मे बी ऐसे सोचते होंगे, तो इसलिए वो और वो सोचते होंगे उनमें किसी में क्वालिटी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर मैं हूं ठीक है, तो मैं ग्रेजुएट हूं ठीक है, और यहाँ से हमारे मतलब कोई भी इंडिया है ठीक है, यहाँ के लिए कोई एमएलए के लिए भी उठता है, वो वोट देता है, उठता है ठीक है। अब जो बंदा उठता है, सारे जितने भी बंदे उठे अनपढ़ उठ गए ठीक है, अनपढ़ छोड़ो, एक उनमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो और उनमें कोई क्वालिटीज भी नहीं है ठीक है ना, उनमें ऐसी क्वालिटीज है कि वो देश को संभाल सके, वो इवन एमएलए तक बन सके, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं भी अपना वोट किसी को नहीं प्रेफर करूंगी, मैं चाहूंगी उनमें से कोई बने ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बंदा अगर नहीं भी डाल रहा है ना, तो वो भी शायद अपने दिमाग से सोच रहा होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जो अपना दिमाग का यूज नहीं करे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये मुझे ऐसे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसे लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।